आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 359, 359। 10 से 15 मिनट का पाठ होता है। यदि आप लगातार और क्रम से यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ज्योतिष सीख जाएंगे। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि सर ये वाला पाठ नहीं मिलता है, ये वाला मैं पाठ कहाँ जा कर के खोजूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसका यूआरएल दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। बाकी भी जो जानकारी है वेबसाइट आदि की, उसकी भी दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसको चेक करेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब आज का जो पाठ है वो है तुला लग्न में मंगल। अब मंगल के विषय में हम विस्तृत जानकारी देंगे कि इस लग्न में वो लग्न में बैठा है तो क्या फल करेगा, अन्य भावों में बैठा है तो क्या फल करेगा। आप लोगों का बहुत प्रश्न वक्री आदि से आता है कि सर मंगल बकरी होकर के द्वादश में है तो क्या रिजल्ट देगा। तो ये जो बकरी से संबंधित प्रश्न है, मैं आप लोगों को यहीं पे उसको भी कवर करने का प्रयास करूंगा। और तुला लग्न के बाद एक दो लग्न लेने के बाद आखिरी में जा करके अस्त भी बताने लगूंगा आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम उम्मीद करते हैं कि जो कन्या लग्न तक पहले से सीख लिए हैं उनके लिए पाठ आसान होगा। चलिए, अब मंगल यदि बकरी नहीं मार्गी अवस्था में लग्न में हो, इसके विषय में हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना है कि मंगल है, ये एक अशुभ ग्रह है, और साथ में इस पत्रिका में सप्तम और दूसरे स्थान का स्वामित्व रखता है। तो सातवें और दूसरे स्थान का स्वामित्व का प्रभाव लेकर के भी मंगल लग्न में स्थित है। अब यहां सबसे पहले क्या मंगल का लग्न में होना अच्छा कहेंगे? नहीं कहते अच्छा, लेकिन मंगल के जो गुण होते हैं उसमें लॉजिक बहुत होता है, तो जातक बहुत लॉजिकल होगा। और ये चूंकि तुला पुरुष राशि है और पुरुष राशि में पुरुष ग्रह हैं, तो यदि ये स्त्री के पत्रिका में ऐसा हो तो स्त्री को निश्चित रूप से क्रोध आता होगा। पुरुष के पत्रिका में मंगल के होने से इतना स्वाभाविक क्रोध होता ही है उन लोगों के अंदर। अब कहते हैं कि मंगल जहाँ स्थित है उसका भी फल करता और जहाँ देखता उसका भी फल करता। तो ये कहाँ कहाँ देख रहा है देख लीजिए, चतुर्थ को भी देख रहा है और सप्तम को भी देख रहा है और अष्टम को भी देख रहा है। तो ऐसे मंगल की जब दशा आए तो आप भूमि भवन मकान आदि का सुख प्राप्त करेंगे, यदि उम्र है आपका। कहने का अर्थ है कि यदि आप 25 से 50 साल के अंदर हैं और मंगल की दशा आई है तो भूमि भवन मकान आदि का सुख होगा, लेकिन उसी समय पे चोट चपेट दुर्घटना आदि से बचना भी पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन यदि यही मंगल को अब हम वक्री बना दें कि ये मंगल वक्री है, तो अब देखिए कि मंगल वक्री है, स्वामित्व तो केंद्र का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्र अवस्था में क्या होता है कि उसके थोड़े बल बढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, प्रश्नों जो भी फल है उसको तीव्रता से करते हैं। तो ये चतुर्थ के लिए कोई परेशानी नहीं, सप्तम के लिए कोई परेशानी नहीं, जितनी परेशानी पहले है वही, क्योंकि ये इस स्थान को देखेगा तो निश्चित रूप से इस स्थान में थोड़े बहुत परेशान करेगा। माता का स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, यदि जो हमने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं किसी लिटिगेशन में न फंस जाए, ऐसे प्रॉपर्टी न खरीदे जाए जहाँ मेरा पैसा फंस जाए। ये पत्नी स्थान है, इस स्थान को देख रहा है, इसका अपना घर है, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं करना उसको, इसके सुफल ही प्राप्त होंगे। अब आठवें की बात कर लेते हैं, तो मंगल की जो स्वाभाविक दृष्टि है उसी को मानेंगे, ये नहीं कहेंगे कि वक्री अवस्था में उसकी दृष्टि में भी ज़्यादा वक्रता हो जाएगा और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, अर्थात चोट चपेट दुर्घटना की संभावना पहले भी थी और वर्तमान समय में भी रहेगा। तो इस तरह से मंगल को हम लोगों को समझना है। तो लग्न में आप लोगों ने समझ लिया, अब मंगल यदि दूसरे स्थान में स्थित हो तो क्या फल करेगा।
मंगल दूसरे स्थान में, तो वाणी स्थान में है और अपनी ही राशि का है, इसको वाणी का, कुटुंब का, धन का स्थान कहते हैं। तो सबके प्रति जागरूक होगा, धन के प्रति भी, कुटुंब के प्रति भी, और वाणी भी बहुत ही अच्छी बोलेगा, क्योंकि मंगल कड़वी वाणी नहीं देता, मंगल तेज वाणी नहीं देता, मंगल लॉजिकल वाणी देता है। कोई भी तर्क संगत बातें यहाँ मंगल बैठकर करता है। अब इसकी दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है। जब हमेशा क्या कहते हैं हम लोग कि कोई भी ग्रह अपने बलानुसार अपनी ही दशा में फल करता है, तो जब इसकी दशा अंतरदशा आ जाएगी तब क्या होगा कि ये पंचम स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो उस समय या तो आप हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ी बहुत परेशानी हो जाएगी, या संतान के लिए जा रहे हैं तो संतान होने से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी उस समय आपको महसूस होगा। अब यहाँ से फिर वही अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, तो चोट चपेट दुर्घटना आदि के लिए सावधान रहना है। और फिर नवम भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, पिता के सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने विशेष यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हो तो उसमें भी सावधानी के साथ जाने की जरूरत है। तो अब यही मंगल यहाँ यदि वक्री हो जाए, तो हम लोग कहते हैं ना केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हैं तो शुभ फल देता है, तो ये केंद्र के स्वामी हैं, ये पहले से अशुभ हैं और वक्रता प्राप्त कर लिए हैं, तो ये क्या करेंगे कि इस स्थान के भी फल को तीव्रता से करेंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और साथ में इसके लिए भी ये अच्छे हो गए। तो इसीलिए यहाँ भी अगर बकरी है मंगल तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि बकरी दृष्टि पे कोई अंतर पड़ेगा, तो आगे आप लोग समझ जाइएगा कि हम कभी भी बकरी दृष्टि के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। दृष्टियाँ मंगल की अशुभ होती हैं, शुभ ग्रहों की शुभ और अशुभ ग्रहों की अशुभ होती हैं, इतना ही मान करके आप लोगों को चलना है। तो चलिए अब अगले भाव में चलते हैं कि मंगल यदि तीसरे स्थान में हो, तो ये जानते हैं कि तीसरे स्थान का कारक भी मंगल होता है। मंगल दो स्थानों का कारक होता है, एक तीसरा और दूसरा छठा, और स्वतंत्र कारक तो लड़ाई के, झगड़े के, मुकदमेबाजी के, भाई के जो रक्त का क्लॉटिंग होता है उसके लिए। तो यहाँ पे अब मंगल आया तो मंगल कौन पहले, ये भी समझ लीजिए, सप्तमेश और धनेश, और धन से अगले स्थान में है, धन से धन में है, और ये पराक्रम स्थान में मंगल गुरु की राशि का बैठा है। तो ये यहाँ से यदि हम समझना चाहें तो कहेंगे पत्नी बहुत पराक्रमी होगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, स्वयं भी जातक का मंगल तीसरे स्थान में है, तो इनके लिए भी कहा जा सकता है कि पत्रिका में मंगल अच्छे स्थिति में बैठा है तो मसल पावर अच्छा होगा। अब मंगल यहाँ के लिए तो तीसरा हमने समझ लिया, इससे दूसरा है तो धन को निवेश, हमेशा निवेश करते रहेंगे, ये बात आप लोगों को समझना है कि धन को हमेशा निवेश करते रहेंगे, जमा रखने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ यदि मंगल है तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों के ऊपर शासन करेंगे, नौकर चाकर के ऊपर शासन करेंगे, ये आप लोग जरूर कह सकते हैं। अब दृष्टि चौथी आ जाएगी छठे स्थान में, तो हमको उस समय किसी न किसी कारण से रोग, ऋण, शत्रु आदि से जूझना पड़े। और फिर भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि आती है, अर्थात फिर वही बात, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धार्मिक यात्रा आदि के ऊपर विशेष सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। और मंगल वक्री हो जाए तो क्या होगा, हमारे पराक्रम में कमी नहीं आएगी, लेकिन हमने जो कहा कि यहाँ छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, उनके ऊपर जो शासन करेंगे उसमें थोड़े कड़ाई से करने लगेंगे, बाकी के इनके दृष्टि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए वक्री हो जाने से आप लोगों को यहाँ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मंगल यदि चौथे स्थान में स्थित हो तो क्या फल करेंगे। अब मंगल को हम लोग चौथे स्थान में स्थित कर लेते हैं, तो मंगल चौथे स्थान में है
और अभी हम क्या कहते हैं कि ये साधारण मंगल की बात कर रहे हैं। साधारण मंगल कहने का मतलब है कि ये वक्री नहीं है, तो अब क्या है कि ये इस स्थान में उच्च का है, और कालपुरुष के पत्रिका में इसी स्थान में नीच का होता है, ये भी जानते हैं, और हम विशेष विश्लेषण उच्च नीच पर आधारित नहीं रखते हैं। यहाँ दिग्बल शून्य भी होता है, और मकर राशि स्त्री राशि है, और ये मंगल पुरुष ग्रह है, तो पुरुष राशि में ज़्यादा फल करता है, तो ऐसे बातों को हम लोग सोचते रहते हैं। अब अगर इस भाव से देखें तो चतुर्थ है, इस भाव से देखें तो दशम है, इस भाव से देखें तो तीसरा है, अर्थात मंगल अपने दोनों भावों से साथ ही लग्न से भी बहुत बुरे स्थिति में नहीं है, अर्थात सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, माता का भी सुख मिलेगा, अगर वाहन आदि खरीदने का समय होगा तो वो भी आप क्रय कर सकते हैं, और मकान आदि का भी सुख इस समय पर मिल सकता है। अब यहाँ से सीधे चतुर्थ स्थान को दृष्टि दे रहा है, अर्थात पत्नी का सहयोग, पत्नी का प्रेम, और यदि स्त्री जातक की पत्रिका है तो पति का सहयोग और पति का प्रेम, और ये समझ ही सकते हैं कि सप्तमेश उच्च का है तो पत्नी प्रभावशाली या वर्किंग, ऐसा कह सकते हैं। दशम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो जब मंगल की दशा होगी उस समय कार्य के क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी ही आएगी, और कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी तो लाभ के ऊपर भी इसकी दृष्टि है, लाभ भी प्रभावित होगा। अब इसी को यहाँ वक्री मान लेते हैं कि ये वक्री है, तो क्या हो गया, केंद्र के स्वामी वक्री हैं और कहाँ बैठे हैं, केंद्र में ही बैठे हैं, और कहते हैं जो ग्रह जहाँ स्थित होता है सबसे पहला दायित्व तो उसका बनता है कि उस भाव का फल करे, और इस भाव से संबंधित तो बुरे फल हम प्राप्त करते नहीं हैं, तो इसीलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ यदि मंगल वक्री है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, हमको मकान खरीदने की इच्छा थोड़े लेट से भी है लेकिन दशा आते ही क्या होगा कि हम जल्दी से परचेज कर लें, ये भावना आपके अंदर आ जाएगी, तो और इसके दृष्टियों के ऊपर वक्रता से कोई संबंध नहीं है, जैसे पहले मंगल की दृष्टि हमने समझा है उसी तरह अभी भी मंगल की दृष्टि को समझना है, इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है। तो अब जो हम आप लोगों को बता रहे हैं उससे आप लोग मार्गी स्थिति में और वक्री स्थिति में ग्रह क्या परिणाम देगा ये दोनों विषयों को यहाँ समझ सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, इसीलिए लगातार पाठ को पढ़ते रहिए। कोई भी परेशानी हो, नंबर आपके स्क्रीन पे चलता है, मेल आईडी चलता है, वेबसाइट का भी वो चलता है, तो ये सब कहीं ना कहीं से आप संपर्क करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।